हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। फिल्मों की रिलीज से पहले उस पर विवाद होना अब कोई नई बात नहीं है। फिल्मों को अपने रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड से पास होना पड़ता है, इस बात से तो सभी वाकिफ हैं। लेकिन सेंसर बोर्ड के अलावा अगर फिल्म पर किसी तरह की कोई रोक लगती है तो वहां पर देश की जनता का अहम रोल होता है। बीते दिनों हमने आपको दो फिल्मों के बारे में बताया था जिसकी रिलीज से पहले लोगों ने सवाल उठाए थे। एक थी संजय दत्त की पानीपत, तो दूसरी रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 2। वहीं इससे पहले आयुष्मान की बाला पर कॉपीराइट का आरोप लगाया गया था। कुल मिलाकर रिलीज से पहले फिल्मों का विवादों में घिरना तय है। अब इस लिस्ट में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड का नाम भी शामिल हो गया है। खबरों की माने तो कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में फिल्म मेकर नंदी चिन्नी ने अमिताभ बच्चन, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर नागराज मंजुले और टी सीरीज के चेयरमैन भूषण कुमार को लीगल नोटिस भेजी है। उन्होंने फिल्म के निर्माताओं पर यह आरोप लगाया है कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, जिसके लिए वो अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रहे हैं। फिल्म मेकर नंदी चिन्नी का कहना है कि साल 2017 में उन्होंने एक स्लम सॉकर खिलाड़ी अखिलेश पॉल की जिंदगी पर फिल्म बनाने की राइट्स खरीदी थी, जो कि एक बस्ती में पैदा हुए थे और नशे के आदि थे। बावजूद इसके वो अपने मेहनत और जुनून के दम पर होमलेस वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान बने। वहीं दूसरी ओर नागराज मंजुले ने विजय बरसे की जिंदगी पर फिल्म बनाने के राइट्स खरीदे थे, जो कि अखिलेश पॉल के कोच थे। इन सब मामलों में फिल्म मेकर नंदी चिन्नी का कहना है कि नागराज मंजुले ने अखिलेश पॉल से 4 लाख रुपए में राइट्स खरीदने का दावा किया था। कहा जा रहा है कि नागराज मंजुले ने तेलंगाना सिनेमा राइट्स एसोसिएशन के साथ स्क्रिप्ट का रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन अब वो इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं। इसी बात पर अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगा है, ताकि फिल्म की स्क्रीनिंग को थिएटर्स, टेलीविजन और बाकी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने से रोका जा सके।